आरुषि हेमराज मर्डर मिस्ट्री, दुनिया की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री। आरुषि हेमराज हत्याकांड के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ये दुनिया की सबसे उलझी हुई और सबसे रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री में से एक है। जब आरुषि और हेमराज की हत्या की खबर आई थी, तब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने और क्यों की है। कमाल की बात तो ये है कि सालों बीत गए, दर्जनों पुलिस और सीबीआई की दो टीम भी जांच करके चली गईं, सालों तक मामला अदालत में भी चला, मगर आज भी सवाल वही है कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने और क्यों की थी। इस केस की जितनी गहराई से जांच की गई, उतनी ही नई कहानी निकलकर सामने आती गई और केस उलझता गया। सालों बाद भले ही सवाल वही हो, मगर इन सवालों के जवाब तलाशने के दौरान कई ऐसे पहलुओं से आमना सामना होता है जो कहीं ना कहीं इस सवाल के आधे अधूरे ही सही मगर जवाब देते हैं। तो आखिर क्या है आरुषि हेमराज हत्याकांड की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं हर छोटी से छोटी जानकारी इस वीडियो में। यहां हम आपको आरुषि से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताने के साथ साथ आरुषि और हेमराज की हत्या के उन संभावित कारणों के बारे में भी बताएंगे जो या तो गढ़ी गई या फिर अलग अलग जांच से निकल कर सामने आया। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। हम कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। आरुषि हेमराज हत्याकांड नोएडा के सेक्टर 25 में स्थित जलवायु अपार्टमेंट के मकान संख्या L32 में घटित हुई थी। ये घर डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार का था। डॉक्टर राजेश तलवार एक डेंटिस्ट थे जो अपनी पर्सनल क्लिनिक चलाने के साथ साथ फोर्टिस अस्पताल में भी काम करते थे। आरुषि तलवार राजेश और नुपुर तलवार की इकलौती संतान थी। आरुषि की उम्र हत्या के समय करीब करीब 14 साल थी। इसके अलावा परिवार का एक घरेलू नौकर भी था जिसका नाम हेमराज था। हेमराज मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था। हर दिन की तरह 15 मई 2008 को भी आरुषि तलवार सुबह 6 बजे उठ गई और स्कूल जाने की तैयारी में लग गई। हेमराज आरुषि के लिए नाश्ता बनाने में लग गया जबकि नुपुर आरुषि को तैयार होने में मदद करने लगी। 15 मई को आरुषि जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंचना चाह रही थी क्योंकि 16 मई के बाद स्कूल में गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी। यही वजह थी कि वैसे तो आरुषि का जन्मदिन 24 मई को आता था, मगर उसने 16 मई को ही बर्थडे सेलिब्रेट करने का फैसला किया था ताकि उसके दोस्त भी बर्थडे में शामिल हो सकें। आरुषि के स्कूल जाने के बाद आरुषि के माता पिता यानी राजेश तलवार और नुपुर तलवार भी अपने अपने काम के लिए निकल गए और फिर सभी शाम में ही घर में एक साथ जमा हुए। रात के लगभग 10 बजे राजेश, नुपुर और आरुषि ने एक साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद ये सभी अपने अपने कमरों में चले गए। हालांकि थोड़ी देर बाद ही राजेश और नुपुर तलवार अपनी बेटी के कमरे में गए और थोड़ी देर 16 मई को आयोजित होने वाली बर्थडे पार्टी के बारे में चर्चा की। साथ ही सरप्राइज के तौर पर जन्मदिन से पहले ही बेटी को एक डिजिटल कैमरा गिफ्ट किया। वैसे तो राजेश तलवार ये कैमरा अपनी बेटी को 24 मई यानी आरुषि के असल बर्थडे के दिन देना चाहते थे, मगर नुपुर ने राजेश को उसी रात बेटी को ये कैमरा सरप्राइज के तौर पर देने के लिए कहा। कैमरा मिलते ही आरुषि ने एक के बाद एक कई तस्वीरें खींची। उसने अपने इस डिजिटल कैमरे से आखिरी फोटो 10:10 पर खींची थी। आरुषि ने इस दौरान अपनी तस्वीरें लेने के साथ साथ अपने माता पिता की भी कई तस्वीरें खींची थीं। बेटी को कैमरा गिफ्ट करने के बाद राजेश तलवार अपने कमरे में चले गए जबकि आरुषि भी कैमरे को साइड में रखकर सोने चली गईं। इसी बीच 11 बजे के आसपास राजेश तलवार ने अपनी पत्नी नुपुर को आरुषि के कमरे में रखे इंटरनेट राउटर को ऑन करने के लिए कहा। जब नुपुर आरुषि के कमरे में राउटर ऑन करने के लिए गई तो उस समय आरुषि एक नोवेल पढ़ रही थी। आरुषि पढ़ाई में लगी रही जबकि नुपुर चुपचाप कमरे में रखे राउटर को ऑन करके बाहर निकल गई। जांच के अनुसार राजेश ने रात में आखिरी बार 12:08 पर इंटरनेट यूज किया और फिर वो सो गए। नुपुर और राजेश के कमरे से बिल्कुल सटा हुआ ही आरुषि का कमरा था। इसके अलावा इस घर में एक और व्यक्ति रहता था और वो था घर का नौकर हेमराज। हेमराज का कमरा घर के अगले हिस्से में था। हेमराज का कमरा ऐसा था जिसमें घर के बाहर से भी जाया जा सकता था तथा उसके कमरे का एक दरवाजा घर के अंदर भी खुलता था, यानी मेन दरवाजे को खोले बिना भी कोई घर के अंदर आ जा सकता था। जब 15 से 16 मई की रात सभी सो गए तो इसी रात के अंधेरे में इस घर में कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया।
और आज तक की सबसे अनसुलझी और रहस्यमय रात बनकर रह गई। अब तारीख बदलकर हो चुकी थी 16 मई 2008। रोज की तरह घर की मेड भारती मंडल सुबह 6 बजे ही राजेश तलवार के घर काम करने के लिए आ चुकी थी। उसने रोज की तरह घर का बेल बजाया। राजेश तलवार के यहां नौकरी ज्वाइन किए हुए भारती को बस 6 दिन ही हुए थे। अब तक जब भी वो काम के लिए आती थी तो पहली बेल बजते ही हेमराज दरवाजा खोलने आ जाता था, मगर आज भारती ने बेल बजाया तो कोई भी बाहर नहीं निकला। इसके बाद फिर से भारती ने दोबारा बेल बजाई, तब भी कोई नहीं निकला। हालांकि जब भारती ने तीसरी बेल बजाई तो नुपुर तलवार ने घर के अंदर की ओर खुलने वाला दरवाजा खोला और भारती से पूछा कि हेमराज कहाँ है। इस पर भारती ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। तब नुपुर ने कहा कि हो सकता है कि हेमराज दूध लेने गया हो और उसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। नुपुर ने भारती से कहा कि तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो, जब हेमराज वापस आ जाए तो अंदर आ जाना। इस पर भारती ने कहा कि मुझे और भी जगह काम करने जाना है, मुझे देर हो जाएगी, इसलिए आप बालकनी से चावी फेंक दो, मैं बाहर से दरवाजा खोल लेती हूं। इसके बाद नुपुर तलवार घर के अंदर गईं और फिर चाबी लेकर बालकनी में आईं, जहां से उन्होंने चाबी नीचे फेंक दी। चाबी देने के बाद नुपुर ने भारती से यह भी कहा कि शायद दरवाजा लॉक नहीं है बल्कि सिर्फ कुंडी लगी हुई है, फिर से चेक करो। वापस आकर भारती ने देखा तो सच में दरवाजा लॉक नहीं था बल्कि सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। भारती को चाबी देने के बाद नुपुर ने हेमराज के मोबाइल पर फोन किया। कथित तौर पर कुछ ही रिंग होने के बाद फोन कट गया और अगले ही पल हेमराज का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। फिर दोबारा कभी फोन ऑन भी नहीं हुआ और ना ही कभी वो फोन मिला। जब तक नुपुर तलवार ने भारती को घर की चाबी दी और हेमराज को फोन किया, तब तक घर के मुखिया राजेश तलवार भी सोकर उठ गए। राजेश तलवार अपने कमरे से उठकर जैसे ही बाहर हॉल में आए तो उनकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखे एक स्कॉच विस्की की बोतल पर पड़ी, जो पूरी तरीके से खाली थी। बोतल पर कुछ खून के भी निशान थे। बोतल देखकर राजेश तलवार चौंक गए तथा उन्होंने अपनी पत्नी नुपुर तलवार से पूछा कि आखिर यहां ये बोतल किसने रखी है। इस पर नुपुर भी थोड़ा चौंक गई और उन्होंने राजेश तलवार को कहा कि जरा एक बार तुम आरुषि के कमरे को चेक करो। आरुषि के कमरे का दरवाजा ऐसा था जिसे बाहर से सिर्फ चाबी से ही खोला जा सकता था, जबकि अंदर की ओर से ही उसे केवल बिना चाबी के खोला जा सकता था। अक्सर रात में सोते समय नुपुर आरुषि का कमरा बाहर से लॉक कर दिया करती थी, मगर उस समय राजेश तलवार ने देखा कि आरुषि के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। कमरा खुला देखकर जैसे ही राजेश तलवार अंदर गए, अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बेतहाशा चीखने लगे। आरुषि के बिस्तर पर चारों ओर खून ही खून था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, जबकि गर्दन पर गहरे जख्म के निशान थे। आरुषि मरी हुई वहीं पर पड़ी हुई थी। राजेश की चीख सुनकर नुपुर तलवार भागते हुए कमरे के अंदर गईं। वहां का नजारा देखकर नुपुर गहरे सदमे में चली गईं और उसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे, और उसने बिल्कुल चुप्पी साध ली। अब तक नौकरानी भारती भी बाहरी दरवाजा खोल चुकी थी और घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। जैसे ही भारती घर के अंदर आई, उसे नुपुर तथा राजेश के रोने की आवाजें आईं। उन दोनों को रोता देखकर भारती भी उसी कमरे की तरफ गई। भारती के कमरे में दाखिल होते ही नुपुर तलवार उससे लिपटकर रोने लगी और फिर नुपुर ने ही आरुषि के बदन पर रखे एक कंबल को हटाकर भारती को आरुषि का कटा हुआ गला दिखाते हुए कहा कि ये देखो क्या हो गया, हेमराज ने ये क्या कर दिया। फिर राजेश और नुपुर ने भारती को बताया कि हेमराज ने आरुषि की हत्या कर दी है और भाग गया है। भारती ने उन दोनों को शांत कराने की कोशिश की, साथ ही उनसे पूछा क्या किसी को बुला कर ले आए। इस पर नुपुर ने पड़ोसियों को बुलाने की इजाजत दे दी। इसके बाद भारती भागते हुए घर के बाहर आई तथा उसने इसी जलवायु बिहार अपार्टमेंट में रहने वाले अन्य लोगों को आरुषि की हत्या के बारे में बताया। खबर सुनकर बाकी लोग भी कमरे में जमा हो गए। इसी बीच किसी ने जलवायु बिहार के सिक्योरिटी गार्ड वीरेंद्र सिंह को कहा कि पुलिस को फोन कर दो। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस वालों ने देखा कि लगभग 15 लोग लिविंग रूम में खड़े थे, जबकि 5 से 6 लोग राजेश तथा नुपुर तलवार के कमरे में थे, जबकि आरुषि के कमरे में कोई नहीं था। जैसे ही पुलिस वाले वहां पर पहुंचे, राजेश तलवार ने पुलिस वालों को कहा कि घर के नौकर हेमराज ने ही आरुषि की हत्या की है और वो भाग गया है, आप जितनी जल्दी हो सके हेमराज को पकड़िए। चूंकि हेमराज सच में गायब था, इसलिए पुलिस वालों को लगता है कि पहले हेमराज ने शराब पी और फिर शराब के नशे में आकर वो आरुषि के कमरे में चला गया, जहां उसने आरुषि के साथ
जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब आरुषि ने इसका विरोध किया तो हेमराज ने एक कुकरी के सहारे आरुषि की हत्या कर दी और फिर भाग गया। इस थ्योरी के आधार पर हेमराज को आरुषि का मर्डरर मानते हुए पुलिस ने हेमराज पर 20,000 का इनाम भी रख दिया तथा पुलिस की एक टीम आनन फानन में हेमराज को पकड़ने के लिए नेपाल में उसके गांव के लिए भी निकल गई। इधर पुलिस की दूसरी टीम ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया और आरुषि के शव को लगभग 8:30 बजे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद लगभग 1 बजे फिर से आरुषि का शव उसके घर पर वापस लाया गया और लगभग 4 बजे के आसपास आरुषि का अंतिम संस्कार करने के लिए शव को पास के ही शमशान घाट में ले जाया गया। आरुषि के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने आरोप लगाया कि राजेश तलवार आरुषि का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करना चाहते थे, जबकि राजेश तलवार की दलील थी कि बड़े बुजुर्गों की राय थी कि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लाश मिलने से लेकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तक इस घर में इतने ज्यादा लोग आए कि क्राइम सीन पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। वहीं पुलिस की भी लापरवाही रही कि पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित करने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की। इसका नतीजा रहा कि बहुत सारे अहम सबूत नष्ट हो गए। विशेषज्ञों का तो दावा यहां तक था कि लगभग 90% सबूत तो इस लापरवाही की वजह से नष्ट हो ही गए। हालांकि फिर भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने आरुषि के कपड़े, चादर, बेडशीट, मैट्रेस इत्यादि को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया। इसके अलावा दीवारों तथा विस्की के बॉटल से भी खून के नमूने इकट्ठे किए गए। वहीं बड़े पैमाने पर घर के अंदर से फिंगरप्रिंट्स भी उठाए गए। घर के अंदर जांच के दौरान ही पुलिस वालों की नजर ऊपर जाती हुई सीढ़ी पर पड़ी, जिस पर कई जगह खून के निशान थे। फ्लोर पर भी कई जगह खून के छींटे पड़े हुए थे। इन खून के धब्बों का पीछा करते हुए पुलिस वाले जब ऊपर की तरफ बढ़ते गए तो उन्होंने देखा कि छत पर जाने वाला दरवाजा बंद है। इस पर एक पुलिस वाले ने राजेश तलवार से छत पर लगे दरवाजे की चाबी मांगी। इस पर बकौल पुलिस, राजेश तलवार तुरंत घर के अंदर चले गए और काफी देर तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। जब पुलिस वाले ने दोबारा छत की चाबी मांगी तो राजेश तलवार पुलिस वालों पर ही भड़क गए और कहने लगे कि आप यहां छत पर जाने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उधर कातिल कहीं तब तक भाग जाएगा, आप जाकर पहले उसको पकड़िए। राजेश तलवार की ये बातें सुनकर वहां मौजूद पुलिस वालों ने छत पर जाने का इरादा बदल दिया और हेमराज को खोजने की कोशिश में काफी तेज हो गई। उधर 17 मई 2008 को राजेश और नुपुर तलवार अपनी बेटी आरुषि तलवार की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार निकल गए। इधर 17 मई को भी पुलिस वालों का घर में आना जाना और जांच का सिलसिला जारी रहा। इसी बीच घर में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गौतम आए। वो क्राइम सीन का मुआयना करने जांच दल में शामिल एक पुलिस वाले के रिक्वेस्ट पर आए थे। जब के गौतम ने भी छत की तरफ जाने वाली सीढ़ी पर खून के धब्बे देखे तो उन्होंने भी छत की चाबी खोजी। चाबी नहीं मिली तो अंत में लॉक तोड़ने का फैसला किया गया। इसी के बाद सुबह के लगभग 10:30 बजे छत पर जाने वाले दरवाजे का लॉक तोड़ा गया। जांच अधिकारी छत पर गए। यहां उन्होंने जो कुछ भी देखा वो देखकर हर कोई हिल गया। यहां पर एक लाश पड़ी हुई थी। इस लाश के गले पर भी ठीक वैसे ही जख्म के निशान थे जैसे निशान आरुषि के गले पर थे। लाश देखते ही पुलिस वालों ने उस समय घर में मौजूद राजेश तलवार के भाई को बुलाकर लाश की पहचान करने को कहा। इस पर वो नहीं पहचान पाए कि ये लाश किसकी है। इसी के बाद हरिद्वार के लिए निकले राजेश और नुपुर तलवार को भी फोन किया गया और जल्द से जल्द वापस आने को कहा गया। वापस आकर राजेश तलवार भी उस शव को नहीं पहचान पाए कि छत पर मरा पड़ा व्यक्ति कौन है। हालांकि पुलिस वालों ने शक जताया कि क्या ये हेमराज का शव है, तो इस पर राजेश ने कहा कि मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। इसी के बाद हेमराज के कुछ दोस्तों को पहचान करने के लिए बुलाया गया और उन्होंने पहली नजर में ये कन्फर्म कर दिया कि ये शव तो हेमराज का है। मतलब जिस हेमराज को अब तक आरुषि का कातिल मानकर पुलिस ढूंढ रही थी, उसकी लाश खून में डूबी हुई छत पर कोने में पड़ी हुई थी। अब पुलिस के सामने ये पता लगाने की चुनौती थी कि आखिर इन दोनों का कातिल कौन है। अब जांच कर रही पुलिस की टीम ही दो भागों में बट गई। एक टीम ने अपनी थ्योरी के हिसाब से घर में मौजूद राजेश और नुपुर तलवार को इन दोनों का कातिल मानना शुरू कर दिया, जबकि पुलिस की एक टीम ने हेमराज के दोस्तों पर शक जताया। अपनी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने हेमराज के दोस्त विष्णु शर्मा को सस्पेक्ट मानते हुए जांच आगे बढ़ाई। पहले विष्णु शर्मा ही राजेश तलवार के यहां काम किया करता था, मगर जब वो छुट्टी पर चला गया तो राजेश तलवार ने हेमराज को परमानेंट जॉब पर रख लिया था।
विष्णु को जॉब से निकाल दिया गया था, इसलिए पुलिस ने शक जताया कि नौकरी जाने की वजह से उसने शायद हेमराज की हत्या कर दी है और इस हत्या को होते आरुषि ने देख लिया होगा, इसलिए उसने आरुषि की भी हत्या कर दी। इसी के बाद पुलिस ने विष्णु शर्मा को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी, मगर कुछ ही जांच के बाद कन्फर्म हो गया कि हत्या वाली रात तो विष्णु शर्मा भारत में नहीं बल्कि नेपाल में था। मतलब अब तक दो लोगों पर कातिल होने का शक जताया गया था, जिसमें एक का खुद कत्ल हो चुका था और दूसरा उस रात नेपाल में ही था। यानी अब पुलिस को नए कातिल की तलाश थी और अब पुलिस की टीम ने जिसे कातिल मानना शुरू कर दिया उस पर एक बार तो किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था। पुलिस की जांच अलग चल रही थी तो दूसरी तरफ इस केस को जबरदस्त मीडिया कवरेज मिल रही थी और दिन रात प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक आरुषि की ही खबरें चल रही थीं। उन खबरों में कुछ चैनल्स पर आरुषि के माता पिता पर ही शक जताया गया। बस यहीं से पुलिस को भी नया सस्पेक्ट मिल गया और पुलिस ने 23 मई 2008 को आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार को पहली बार पूछताछ के लिए पुलिस लाइन एरिया में बुलाया। यहां से राजेश को लोकल मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया, फिर वहां से उन्हें गिरफ्तार करके डासना जेल भेज दिया गया। इसी के बाद पुलिस ने आरुषि हेमराज हत्याकांड के सिलसिले में पहली बार डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें एक ऐसा खुलासा किया, या कहें कि दावा किया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुरुदर्शन सिंह ने 23 मई को दावा किया कि पूछताछ में खुलासा हुआ है कि राजेश तलवार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अनीता दुर्रानी के साथ चल रहा था। इस बात की जानकारी आरुषि के एक दोस्त अनमोल ने आरुषि को दी थी। इस पर आरुषि अपने पिता से नाराज हो गई थी और उसने इस पर ऑब्जेक्शन किया था। पुलिस के मुताबिक पिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आरुषि पर काफी बुरा असर हुआ और उसने खुद को घर में कैद कर लिया। यहां तक कि वो कथित तौर पर हेमराज के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ गई। इसी के बाद 15 मई 2008 की रात जब राजेश तलवार सोने चले गए, तब आरुषि के कमरे में हेमराज आ गया। जब दोनों संबंध बना रहे थे तभी राजेश तलवार किसी काम से कमरे से निकलकर बाहर आए तो उन्हें आरुषि का कमरा थोड़ा खुला हुआ दिखा। इस पर वो अंदर चले गए जहां उन्होंने देखा कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं। ये देखकर राजेश तलवार को गुस्सा आ गया और उन्होंने हेमराज को मारना शुरू कर दिया और मारते हुए उसे छत पर ले गए, जहां फिर उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया और फिर अपने सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट दिया और छत के दरवाजे को बंद कर दिया। फिर राजेश तलवार नीचे आए, उन्होंने काफी अधिक मात्रा में शराब पी और फिर कमरे में जाकर अपनी बेटी की भी हत्या कर दी। वेल, ये शब्द हमारे नहीं हैं, बल्कि ये दावा पहली बार पुलिस की ओर से ही किया गया था। इस बयान के बाद पुलिस पर आरुषि के चरित्र हनन का आरोप लगने लगा और पुलिस की बहुत ज्यादा खिंचाई होने लगी। इसी के बाद पुलिस वालों ने अपना बयान बदलते हुए ये दावा किया कि आरुषि को अपने पिता राजेश तलवार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल गया था तथा वो अपने पिता को ब्लैकमेल करने लगी थी, जिससे राजेश तलवार को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में आकर अपनी बेटी की हत्या कर दी। राजेश को ऐसा करते हुए हेमराज ने देख लिया था, बस उसी गवाह को मिटाने के लिए राजेश ने हेमराज की भी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोप लगाया कि दोनों की हत्या के बाद सबूत मिटाने में राजेश तलवार की पत्नी नुपुर तलवार ने भी अपने पति का साथ दिया। इसी के बाद जांच आगे बढ़ती रही। मामले की गर्माहट को देखते हुए केस 1 जून 2008 को सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने जैसे ही केस अपने हाथ में लिया, जांच का रुख ही बदल गया। शुरुआती जांच में ही सीबीआई टीम को कुछ ऐसे क्लू मिले जिससे उनका शक अब राजेश तथा नुपुर तलवार से हटकर राजेश तलवार की क्लिनिक पर काम करने वाले कृष्णा थडरई पर चला गया। दरअसल जांच पड़ताल के दौरान सीबीआई टीम को पता चलता है कि आरुषि की हत्या से ठीक 2 दिन पहले क्लिनिक पर काम करते समय कृष्णा ने कुछ गलती कर दी थी। इस पर राजेश तलवार ने कृष्णा को बुरी तरीके से डांटा था। इसी के बाद एक दिन कृष्णा ने हेमराज से कहा कि मैं राजेश को बहुत जल्द सबक सिखाऊंगा। ये बात राजेश तलवार के ड्राइवर उमेश शर्मा ने सुनी थी। इसी की गवाही के बाद पुलिस ने शक के आधार पर 7 जून 2008 को कृष्णा को हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी। जैसे ही सीबीआई की टीम कृष्णा के कमरे की तलाशी लेने लगी तो वहां उन्हें एक तकिए का कवर मिला जिस पर खून के कुछ निशान थे। इसके अलावा एक कुकरी भी मिला। शक जताया गया कि इसी कुकरी से दोनों हत्या को अंजाम दिया गया होगा। इसके अलावा कमरे से एक ट्राउजर भी बरामद हुआ जिस पर खून के कुछ निशान थे।
ये चीजें इस बात की ओर इशारा कर रही थीं कि शायद अब असली कातिल पकड़ा गया है। इसी के बाद पुलिस ने कृष्णा का पहले पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया, फिर 9 जून 2008 को एम्स दिल्ली में इसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया गया, फिर 12 जून को कृष्णा का नार्को टेस्ट भी किया गया। नार्को टेस्ट तथा पॉलीग्राफ टेस्ट के आधार पर 13 जून 2008 को सीबीआई की टीम ने कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। नार्को टेस्ट के दौरान कृष्णा ने अपने दोस्त राजकुमार का नाम भी लिया था। राजकुमार राजेश तलवार के दोस्त के यहाँ घरेलू नौकर के तौर पर काम करता था। राजकुमार का नाम आते ही 23 जून को पुलिस ने राजकुमार को भी हिरासत में ले लिया और फिर उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ब्रेन मैपिंग तथा नार्को टेस्ट किया गया और इन सभी के आधार पर राजकुमार को 27 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ये आरुषि हेमराज कत्ल में दूसरी गिरफ्तारी थी। सीबीआई ने तीसरी गिरफ्तारी 30 जून 2008 को विजय मंडल उर्फ शंभु के रूप में की। विजय मंडल आरुषि तलवार के पड़ोसी पुनीत टंडन के यहां काम करता था। अब तक पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। ये कमाल इत्तेफाक था कि ये तीनों ही नेपाली मूल के थे और आसपास रहते हुए नोएडा में ही काम कर रहे थे। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद लंबी पूछताछ की जाती है और फिर सीबीआई प्रमुख अरुण कुमार की ओर से 11 जुलाई 2008 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसमें कई चौंकाने वाले दावे किए जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण कुमार दावा करते हैं कि सीबीआई को राजेश तलवार तथा नुपुर तलवार के खिलाफ एक भी ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि इन्होंने हेमराज या फिर आरुषि की हत्या की हो। 20 जून 2008 को राजेश तलवार का पहला तथा 25 जून को आरुषि की मां नुपुर तलवार का दूसरा लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया। उसमें भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला, हालांकि सीबीआई ने राजेश और नुपुर को क्लीन चिट नहीं दी थी। दूसरी तरफ सीबीआई ने यह जानकारी दी कि कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल ही फिलहाल प्राइम सस्पेक्ट हैं। दावा यह भी किया गया कि इन तीनों में से 2 लोगों ने आरुषि और हेमराज की हत्या की बात भी कबूल कर ली है। कृष्णा, राजकुमार और शंभू से पूछताछ के आधार पर सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरुषि और हेमराज की हत्या के कुछ संभावित कारण भी बताए। हत्या के प्राइम सस्पेक्ट में से एक राजकुमार के पॉलीग्राफ टेस्ट तथा नार्को टेस्ट के मुताबिक हत्या वाली रात यानी 15 मई 2008 को हेमराज ने राजकुमार, कृष्णा और मंडल को अपने कमरे में पार्टी के लिए बुलाया था। यहां चारों बैठकर शराब पीने लगे। यहीं पर एक बार फिर से कृष्णा ने पिछले दिनों राजेश तलवार द्वारा की गई अपनी बेइज्जती के बारे में बात की और कहा कि मैं इसका बदला राजेश तलवार से जरूर लूंगा। राजकुमार के बयान के मुताबिक जब कृष्णा राजेश तलवार के खिलाफ ये बातें कर रहा था तो ये सभी बातें आरुषि ने सुन ली। आरुषि ने लोगों से कहा कि मैं इस बारे में अपने पिता से तुम्हारी शिकायत करूंगी। इस पर कृष्णा को गुस्सा आ गया और उसने अपने पास में रखी कुकरी निकाली और आरुषि के कमरे में जाकर उसकी हत्या कर दी। आरुषि की हत्या करने के बाद कृष्णा भागने लगा, जिस पर हेमराज ने उसे पकड़ने की कोशिश की। इस पर कृष्णा का साथ देने के लिए राजकुमार भी उसके साथ में आ गया और दोनों खींचते हुए हेमराज को छत पर ले गए और फिर वहां हेमराज की हत्या कर दी और छत से लगे दरवाजे को बंद करके छत से ही भाग गए। हत्या के दूसरे प्राइम सस्पेक्ट कृष्णा के बयान के मुताबिक शराब पीने के बाद कृष्णा और राजकुमार एक साथ आरुषि के कमरे में दाखिल हुए। यहां राजकुमार ने आरुषि के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। आरुषि ने अपने बचाव में हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया। इस पर कृष्णा ने अपनी कुकरी निकाली और आरुषि की हत्या कर दी। इन दोनों को ये सब कुछ करते हुए हेमराज ने देख लिया था, इसलिए कृष्णा और राजकुमार हेमराज को खींचकर छत पर ले गए और फिर वहीं उसकी हत्या कर दी। ये तो कृष्णा का पहला वाला बयान था। जब दोबारा उसका नार्को टेस्ट किया गया तो कृष्णा के दूसरे बयान के मुताबिक पीने के बाद राजकुमार और विजय मंडल आरुषि के कमरे में चले गए, जहां इन दोनों ने आरुषि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब आरुषि ने इसका विरोध किया तो शंभू मंडल ने सीधे आरुषि के सर पर जोरदार वार किया। इसके बाद राजकुमार ने कुकरी से आरुषि की हत्या कर दी। इसके बाद कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल तीनों मिलकर हेमराज को अपने साथ लेकर छत पर चले गए और वहां पर उसे भी मारकर भाग गए। जब तीसरी बार कृष्णा से पूछताछ की गई तो उसके खुलासे के मुताबिक सबसे पहले राजकुमार आरुषि के कमरे की तरफ बढ़ा और उसके पीछे पीछे कृष्णा और विजय मंडल भी गया। राजकुमार ने पहले आरुषि के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। जब आरुषि ने इसका विरोध किया तो कृष्णा ने अपने पास रखी कुकरी निकाली और आरुषि का गला रेत दिया। कृष्णा को यह सब कुछ करते हेमराज ने देख लिया और वो कहने लगा
कि मैं इसके बारे में राजेश तलवार को सब कुछ बता दूंगा। इस पर हेमराज को लेकर ये तीनों छत पर चले गए, जहां पर इसकी हत्या करने के बाद वो सभी भाग गए। इसी खुलासे के बाद 12 जुलाई 2008 को राजेश को बेल मिल गई तथा उन्हें लगभग 50 दिन बाद जेल से रिहा कर दिया गया। दूसरी तरफ राजकुमार, कृष्णा और विजय मंडल के खिलाफ जांच आगे बढ़ाई गई। सीबीआई की टीम ने तीनों नौकरों को कातिल मानते हुए जांच आगे बढ़ाई। आगे की जांच में कृष्णा के मकान मालिक के जौहरी ने गवाही दी कि 15 मई की रात तो कृष्णा उनके ही घर पर था और रात में भी कई बार उन्होंने उसे घर में ही देखा। दूसरी तरफ हत्या के दूसरे प्राइम सस्पेक्ट विजय मंडल के मालिक पुलिस टंडन ने जांच कर रही टीम के सामने गवाही दी कि उन्होंने भी विजय मंडल उर्फ शंभू को 15 मई की रात अपने घर में ही देखा था और वो कहीं बाहर भी नहीं निकला था। तीसरे प्राइम सस्पेक्ट राजकुमार के एम्प्लॉयर अनीता दुर्रानी ने गवाही दी कि राजकुमार 15 मई की रात लगभग 12:30 बजे तक तो उनके घर के अंदर ही था। जलवायु बिहार अपार्टमेंट में कम से कम उस रात 6 गार्ड तैनात थे। गार्ड में से किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की कि उस रात राजकुमार, कृष्णा या विजय मंडल में से कोई भी उस अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था। इतना ही नहीं, जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इन तीनों में से किसी के भी डीएनए सैंपल राजेश तलवार के घर से बरामद की गई चीजों से मैच नहीं हुए। इतना ही नहीं, इन तीनों के फिंगरप्रिंट्स भी राजेश तलवार के घर में कहीं नहीं मिले। इसके अलावा सीबीआई की टीम ने कृष्णा के पास से जो कुकरी रिकवर की थी और उस पर खून के जो निशान होने का दावा किया गया था, वो खून इंसानों का था ही नहीं। मामला जब और आगे बढ़ा तो दावा किया गया कि सीबीआई की टीम ने जोर जबरदस्ती करते हुए इन तीनों नौकरों को आरुषि और हेमराज की हत्या करने वाली बात कबूल करने पर मजबूर किया था। नार्को टेस्ट में जो भी बातें इन तीनों ने कही थी, कथित तौर पर वो सभी कहानी पहले इन तीनों के दिमाग में बैठाई गई थी। अभी जांच चल ही रही थी कि सितंबर 2008 में अब तक आरुषि हेमराज हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई टीम को हटाकर इस केस की जांच सीबीआई की नई टीम के हाथों में दे दी गई। सीबीआई की पुरानी टीम जिन तीनों को अब तक प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए जांच कर रही थी, उन तीनों को ही सितंबर 2008 में सबूत की कमी होने की वजह से रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद प्राइम सस्पेक्ट में से एक विजय मंडल ने दावा किया कि सीबीआई ने उन्हें दिमागी और शारीरिक तौर पर काफी टॉर्चर किया था। सीबीआई की नई टीम का गठन एसपी नीलम किशोर के नेतृत्व में किया गया तथा एडिशनल एसपी एजीएल कॉल को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया। सीबीआई की नई टीम ने फिर से नए सिरे से जांच करनी शुरू कर दी और पूछताछ की शुरुआत आरुषि के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम से की। पूछताछ के दौरान डॉक्टर सुनील दोहरा तथा डॉक्टर नरेश राज ने नया खुलासा करते हुए कहा कि आरुषि के पोस्टमार्टम के दौरान उन्होंने देखा कि आरुषि के हाईमेन क्षतिग्रस्त थे तथा ऐसा लग रहा था कि आरुषि के मरने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स को काफी अच्छे से साफ किया गया था। दूसरी तरफ डॉक्टर नरेश राज ने सीबीआई के सामने गवाही दी कि हेमराज के सूचे हुए प्राइवेट पार्ट इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि अंतिम समय में हेमराज सेक्सुअल इंटरकोर्स में शामिल था। फिर अक्टूबर 2009 में क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया गया और सीबीआई की नई टीम ने दावा किया कि आरुषि के कमरे की जो हालत लोगों ने हत्या के बाद देखी थी, दरअसल वो बनाई गई थी। यानी हत्या करने के बाद चीजों को अपने हिसाब से सही किया गया और फिर लोगों को आरुषि की हत्या की खबर दी गई। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि जिस समय आरुषि का पोस्टमार्टम हो रहा था, उसी समय आरुषि के पिता राजेश तलवार ने अपने एक रिश्तेदार को फोन किया जिसकी पहचान एक रिटायर्ड आला पुलिस ऑफिसर से थी। उन्होंने किसी अज्ञात को फोन किया और फिर उसका फोन पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टर के पास आया। कथित तौर पर यह दावा किया गया कि यह फोन कॉल राजेश तलवार ने डॉक्टरों के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी आरुषि के रेप होने की बात या फिर प्राइवेट पार्ट में सीमेन मिलने की बात का जिक्र पोस्टमार्टम में ना करने के लिए करवाया था। सीबीआई की नई टीम ने आरुषि तलवार के सर पर लगे चोट की एनालिसिस करते हुए ये अंदाजा लगाया कि ये चोट हो ना हो गोल्फ क्लब से की गई है, क्योंकि इंजरी एक ट्रायंगुलर शेप में था। जांच के दौरान पुलिस ने राजेश तलवार के घर से गोल्फ क्लब का पूरा सेट भी बरामद किया, जिसमें से सीबीआई की ओर से दावा किया गया था कि गोल्फ क्लब नंबर 5 से आरुषि तथा हेमराज के सर पर वार किया गया जिससे उसकी मौत हुई। हालांकि उस गोल्फ क्लब पर किसी तरह के ब्लड के सैंपल नहीं मिले, ना ही वहां से कोई डीएनए या फिर कोई बायोलॉजिकल फ्लूइड भी बरामद किया जा सका। बाद में उन गोल्फ क्लब को कुछ विशेषज्ञों के पास भेजा गया तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वहां मौजूद सभी गोल्फ स्टिक्स में से एक स्टिक को देखकर ऐसा लग रहा था
कि हाल ही में काफी अच्छे से साफ की गई हो, इसलिए उन पर से सारे सबूत भी मिट गए हैं। इसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और 18 से 19 मई के बीच 2010 में एक बार फिर से राजेश तलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। सभी पूछताछ तथा लंबी जांच के बाद भी सीबीआई टीम को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। इसी के आधार पर 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई की नई टीम ने कोर्ट में इस केस को बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। हालांकि इस रिपोर्ट में राजेश तलवार पर आरुषि और हेमराज की हत्या का शक सीबीआई ने जताया, जबकि नौकरों को रिपोर्ट में बेगुनाह बताया गया। अपनी क्लोजिंग रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि हेमराज का कत्ल आरुषि के कमरे में हुआ था। हेमराज के ब्लड सैंपल भी कहीं भी आरुषि के कमरे में नहीं मिले। इसके अलावा राजेश या नुपुर के कपड़ों से भी हेमराज के सैंपल नहीं मिले। सीबीआई टीम को हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी कभी नहीं मिले। हालांकि रिपोर्ट में सीबीआई ने दावा किया कि जैसा कट आरुषि और हेमराज के गले पर था, उसे देखते हुए लग रहा था कि ये किसी प्रोफेशनल ने सर्जिकल ब्लेड से ही किया है। चूंकि डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर डॉक्टर थे, ऐसे में संभावना जताई गई कि उन्होंने ही सर्जिकल ब्लेड से इन दोनों का गला काटा है। राजेश और नुपुर की बेगुनाही की सबसे बड़ी वजह यह भी रही कि किचन में जो शराब की बोतल रखी थी, उस पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले और जो खून के निशान उस बोतल पर थे, वो ना तो पहले के तीन प्राइम सस्पेक्ट से मैच हुए और ना ही राजेश और नुपुर के सैंपल से मैच हुआ। इसके अलावा पूरे केस में हत्या के क्लियर कट मोटिव का भी पता नहीं चल पाया। इन सभी के आधार पर सीबीआई ने कोर्ट से इस केस को बंद करने की अपील की। केस बंद करने की बात तो ठीक थी, मगर इस क्लोजिंग रिपोर्ट में राजेश तलवार पर जो उंगली उठाई गई थी, उससे राजेश तलवार खुश नहीं थे और वो खुद पर की गई सीबीआई की टिप्पणी के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। राजेश तलवार को ये कदम कुछ हद तक उनके लिए आत्मघाती साबित हुआ, क्योंकि वो कोर्ट में बेगुनाह साबित होने गए थे, मगर वहां वो उल्टा फंस गए और एक बार फिर से केस की जांच शुरू हुई। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में बदलकर राजेश और नुपुर तलवार पर ही मामला दर्ज करते हुए फिर से जांच करने का आदेश दिया। कोर्ट का मानना था कि राजेश और नुपुर तलवार पर मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अब इस नई जांच के बाद सीबीआई के एडिशनल एसपी एजीएल कॉल ने आरुषि हेमराज हत्या की नई थ्योरी पेश की। सीबीआई के मुताबिक 15 से 16 मई की रात राजेश तलवार जब अपने कमरे में सो रहे थे, तो उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो अपने कमरे से बाहर आए और हेमराज के कमरे की तरफ गए। वहां उन्होंने देखा कि कमरे में कोई नहीं है। फिर उन्होंने ध्यान दिया तो उन्हें एहसास हुआ कि आवाज तो आरुषि के कमरे से आ रही है। इसी के बाद उन्होंने हेमराज के कमरे में रखे एक गोल्फ स्टिक को अपने हाथ में लिया और दौड़ते हुए आरुषि के कमरे में पहुंचे। यहां उन्होंने देखा कि आरुषि और हेमराज एक साथ बिस्तर पर हैं। सीबीआई ने इसे ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन के तौर पर डिस्क्राइब किया है। हेमराज और आरुषि को इस हालत में देखकर राजेश तलवार बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने पूरी ताकत से वो गोल्फ स्टिक हेमराज के सर पर दे मारा। पहली बार लगते ही हेमराज लड़खड़ा गया। अगले ही पल जब राजेश तलवार ने दूसरी बार गोल्फ स्टिक चलाई, तब तक हेमराज वहां से नीचे गिर गया और वो स्टिक गलती से आरुषि के सर पर जा लगी। क्योंकि दोनों के ही सर पर काफी तेज वार किया गया था, इसलिए चोट लगते ही दोनों की जान चली गई। इस हो हल्ले के बीच बगल के कमरे में सो रही नुपुर तलवार भी जग गई और वो भी कमरे से निकलकर भागती हुई आरुषि के कमरे में आई। यहां उन्होंने देखा कि आरुषि और हेमराज मर गए हैं। यहां पर नुपुर तलवार के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने अब पति के साथ मिलकर पहले हेमराज के शव को एक चादर में लपेटा और ले जाकर छत पर रख दिया। यहीं पर हेमराज के गले को सर्जिकल ब्लेड से काट दिया और छत के दरवाजे को लॉक कर दिया। इसके बाद फिर वो नीचे आए, जहां उन्होंने आरुषि के गले को भी काट दिया और फिर कथित तौर पर आरुषि की मां नुपुर ने आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से साफ किया, कपड़े ठीक किए और फिर राजेश ने आरुषि के गले को भी काट दिया ताकि इसे हत्या का रूप दिया जा सके। इसके बाद राजेश और नुपुर ने मिलकर खून के निशान को वहां से मिटाना शुरू कर दिया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए गोल्फ स्टिक को भी छुपाया और सभी संभावित सबूत को वहां से हटा दिया। इसके बाद फिर राजेश तलवार अपने कमरे से बाहर निकलकर आए और घर में दाखिल होने वाले दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया और वहां से हेमराज के कमरे से होते हुए फिर से घर के अंदर चले गए, ताकि सुबह ये बताया जा सके कि किसी ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया है। इसके बाद राजेश तलवार ने घर में रखी स्कॉच विस्की पी और सुबह होने का इंतजार करने लगे। फिर सुबह हुई, घर में मेड आई
और यहीं से सब कुछ प्लान के मुताबिक आगे बढ़ता चला गया। सीबीआई की इस नई थ्योरी और पेश किए गए सर्कमस्टेंशियल सबूत को कोर्ट ने सही मानते हुए 25 नवंबर 2013 को राजेश और नुपुर तलवार को आरुषि तथा हेमराज की हत्या का दोषी करार दिया। इसके अलावा इन दोनों को सबूत से छेड़छाड़ करने, जांच को गलत दिशा में ले जाने तथा गलत एफआईआर दर्ज करवाने का भी दोषी पाया गया। दोषी करार दिए जाने के बाद 26 नवंबर 2013 को आरुषि और हेमराज की हत्या के जुर्म में राजेश तलवार और उनकी पत्नी नुपुर तलवार को कोर्ट की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कुछ महीने जेल में गुजारने के बाद जनवरी 2014 में राजेश और नुपुर तलवार ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील कर दी। 12 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए राजेश और नुपुर तलवार को आरुषि और हेमराज की हत्या के आरोप से मुक्त करते हुए जेल से रिहा कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि सीबीआई सही तरीके से जांच करने में असफल रही तथा केवल अपने द्वारा गढ़ी गई थ्योरी के आधार पर राजेश और नुपुर तलवार को दोषी करार दे दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद राजेश और नुपुर तलवार जेल से बाहर आ गए। वैसे 8 मार्च 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 10 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब आरुषि तलवार के पिता राजेश तलवार तथा मां नुपुर तलवार इस केस में पीड़ित हैं या फिर गवाह हैं या फिर हत्यारे हैं, वो तो समय ही बताएगा। कुल मिलाकर वर्षों पहले जिन सवालों के साथ ये केस शुरू हुआ था, आज भी उसी सवाल पर अटका हुआ है कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने और क्यों की थी। क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है, इसलिए हम इस पूरे मामले पर कोई भी अंतिम टिप्पणी नहीं देंगे। इस केस का सच जो भी है वो बाहर आना चाहिए और आरुषि तथा हेमराज को इंसाफ मिलना ही चाहिए। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सकें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।